Israel is losing out. They're losing the media war despite their connections. They are losing the media war. The tide is turning. What are their connections? Deep pockets. What does that mean? Well, they're very influential people. I mean, they control media. I would call that an anti-Semitic remark. वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने गुज़िश्ता रोज़ अक़वामे मुत्तहिदा की जनरल असेंबली में इसराइल की जानिब से निहत्ते फ़िलिस्तीनियों पर बमबारी के खिलाफ ना सिर्फ भरपूर आवाज़ उठाई बल्कि इसराइल को जंगी जराइम का मुर्तकबी करार दिया। वज़ीर ख़ारिजा की अक़वामे मुत्तहिदा में की गई जो तकरीर है वो इसराइली मुज़ालिम पर खामोश अमरीकी मीडिया को एक आंख नहीं भाई। अमरीकी न्यूज़ चैनल CNN की एंकर ने आपने सुना कि शाह महमूद कुरैशी साहब पर यहूद मुखालिफ होने का इल्ज़ाम आयद किया और एक बार नहीं बार बार कहा। कुरैशी साहब के इसराइली वैश्याना बमबारी से मुतालिक सख्त मौकिफ कह लें दो टोक मौकिफ फैलें और जवाबात को अमरीकी एंकर बर्दाश्त नहीं कर सकी और बार बार यहूद मुखालिफ सोच का इल्जाम लगाती रही कुरैशी साहब। बेसिकली शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो फलस्तीन का केस वहां रखना था उसको केस को रखना बड़ा आसान था और वो ये था कि आपने उसको इंसानी हकूक के पराये में डिस्कस करना था और इंटरनेशनल लॉ के पराये में डिस्कस करना था। शाह महमूद कुरैशी को यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स की बात करनी चाहिए थी, बैनुल अक्वामी कवानीन की बात करनी चाहिए थी और वो रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर जिसको मगरब अमरीका जो है जिसको प्रपोज करता और कहता रहता है कि जनाब ये हर जगह इंप्लीमेंट होना चाहिए, बात करनी थी उसकी। हुआ यूं कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने इसराइल के ऊपर किया टॉन्ट और वो टॉन्ट किया जनाब कि ये इसराइल जो है उसका मीडिया पे बड़ा कंट्रोल है। अब वो जो खातून थी उसको पहले ही ब्रीफिंग जारी बात है उनके एडिटोरियल बोर्ड ने दी हुई थी कि पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर गो के वो बार बार कुरैशी साहब को अम्बेसडर कही जा रही थी लेकिन कुरैशी साहब ने उसको बताया कि मैं फॉरेन मिनिस्टर हूं। अब देखना यह था कि कुरैशी साहब ने उसको कहा जी कि डीप पॉकेट्स और जिस अंदाज से उन्होंने कहा वो कोई इतना इनकरेजिंग नहीं था। मतलब एक शाह महमूद कुरैशी साहब के बारे में कहा जाता है कि वो थोड़े आर्टिफिशियल स्टाइल है उनका। जिस तरीके से उन्होंने उस मुकदमे को पेश किया वो बहुत अच्छे तरीके से पेश किया जा सकता था जो कि वो नहीं कर सके उस तरह बात को और बात उनकी डाइवर्ट हो गई। और सबसे पहले तो उन्होंने डीप पॉकेट्स का नाम लिया कि भाई जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं पैसे वाले लोग हैं वो उसमें जो बड़ी बड़ी ताकतें हैं वो बेसिकली इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं और इंटरनेशनल जो मीडिया है वो सारे का सारा कंट्रोल है और इन्फ्लुएंशियल लोग हैं। अब हुआ ये कि वो जारी बात है आप CNN पे बैठे हैं वो पहले ही इसराइल की सपोर्ट करते हैं और वो तो डंके की चोट पे करते हैं। आप अगर जो बाइडन साहब का बयान देखें वो तो ये कहते हैं कि हम इसराइल को असला देते रहेंगे और फलस्तीन को हम इंसानी जो इमदाद है वो देते रहेंगे। सो क्लियर क्लैरिटी वो तो बड़ी क्लियर है। सो आपने जो जिस चीज को वहां पे बात करनी थी वो बात का पिराया और होना चाहिए था। अब उस खातून ने इस सारी सिचुएशन को ट्विस्ट किया और कहा जी आप तो एंटी सेमिटिज्म में सेमिटिक बयान दे रहे हैं और एंटी सेमिटिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। अब एंटी सेमिटिज्म ये है कि ये जो प्रिजुडिस और जो हेटेड है जो एक नफरत या खास किस्म का जो गलत झुकाव जो है वो मगरब तो नहीं बर्दाश्त करता उसको। कुरैशी साहब ने जो टॉन्ट किया उस टॉन्ट को खातून जो है वो एक समझी कि ये शायद एंटी ज्यूइश बयान है जो कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर फॉरेन मिनिस्टर दे रहा है और पाकिस्तान क्योंकि इसराइल को रिकग्नाइज भी नहीं करता तो ये एक नई जो है वो जहद शुरू हो गई। फिर उस खातून ने ये किया कि उसने चाइना पे सवाल दाग दिया और जब चाइना पे सवाल उन्होंने किया तो वहां पे सारी बात है कुरैशी साहब डिफेंसिव है और वो कहा जी कि हम बात करते हैं हम डिस्कशन करते हैं। हालांकि वो टॉपिक तो कुछ और था लेकिन क्योंकि मगर भी जितने रिपोर्टर हैं मीडिया के लोग हैं उनको पता है कि पाकिस्तान जो है वो चाइना के खिलाफ बात नहीं करता, पाकिस्तान चाइना के जो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां उसको हाईलाइट नहीं करता। तो फिर जारी बात है कि जब आप एक कॉज को लेके चलते हैं और दूसरे कॉज को ना उस तरह सपोर्ट करें या उसकी उस तरह ना आवाज बुलंद करें फिर दुनिया सवाल तो करती है, बात तो फिर होनी पड़ती है। लेकिन क्योंकि हमारे ताल्लुकात हैं तो उन्होंने कहा जी कि हम जो है वो डायलॉग करेंगे डिस्कशन करते हैं हम अपनी मीटिंग्स में इस तरह की बातें उनके साथ कर लेते हैं।